सबसे पहले अपने दोस्त जितने जनरेट भाई हैं, प्रेस मीडिया के साथी हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इस मौसम में भी वो जम्मू में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए। आज मुझे बहुत एक छोटा सा मैसेज देना है जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरे हिंदुस्तान के हुक्मरानों को। बारिश से मिले हुए 70 साल होने लगे तकरीबन, ज़्यादा हो गए। और मैं बताऊं, आज तक ये जम्मू कश्मीर के लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान चुना था, चोज इंडिया, और हमने महाराजा हरी सिंह को मजबूत किया था। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की क़यादत में रैलीज हुई थी तिरंगा झंडा लेकर, जब पाकिस्तान ने हमला किया जम्मू कश्मीर पर, उग्रवादी आ गए, जम्मू कश्मीर स्टेट को रिस्टोर कर दिया गया। और जो वहाँ से लोग माइग्रेट हुए हैं, पंडित हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी, उनको रीसेटल कर दिया जाए विद ऑनर, डिग्निटी एंड विद रिटर्न ऑफ ऑल देयर प्रॉपर्टीज एंड हाउसेज इन कश्मीर वाली। थर्ड, आई वुड लाइक टू से कि जम्मू कश्मीर का के स्टेट ऑर्डर रिस्टोर करके जम्मू कश्मीर में असम्बली के चुनाव करवाए जाएँ, असम्बली के चुनाव करवाए जाएँ। लद्दाख वालों वाले अगर चाहते हैं तो फिर वापस आए। आई लीव ऑन द पीपल ऑफ लद्दाख, पर जम्मू एंड कश्मीर एक है, ये एक रहेगा। तारीख में एक था, आज भी एक था, कल भी एक रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गनाइजेशन की मांग की थी पैंथर पार्टी ने, जम्मू कश्मीर के सेपरेशन की मांग नहीं की थी, और ना करते हो ना होगा। इसलिए सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि रिस्टोर द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड होल्ड असेंबली इलेक्शन विदाउट डिले। और यहाँ तक कल की चुनाव हो रहा है, क्या नाम है इसका, डीडीसी का, और पंचायतों में देखिए नेक्स्ट जो भी हो रहा है उसमें पैंथर पार्टी लड़ रही है, क्योंकि पैंथर पार्टी घर में नहीं बैठना चाहती, यहाँ भी लड़ सकते हैं। जिस हद तक कश्मीर में भी लड़ रहे हैं, जम्मू में भी, हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश कर रहे हैं। इनफाइट देखिए इलेक्शन हो रहा है डीडीसी का और आधी पंचायतों का कश्मीर प्रोविंस में। रोड जम्मू श्रीनगर सड़क बंद कितने दिन हो गए, जो पुंछ और कश्मीर का रास्ता है शोपियां का बंद, महीने हो गए। बारिश देखिए, बर्फ गिर रही है कश्मीर में और चुनाव हो रहा है डीडीसी का, जो कल का चुनाव हुआ वो देखिए, कश्मीर का देखिए, जम्मू का देखिए। और सबसे बड़ी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बहुत जुड़ी है ना, मैं बताऊँ डीडीसी के चुनाव के वोट क्या था जी, वोट से बैलेट बॉक्स से, और मेन असेंबली का चुनाव जो है वो मशीन से, वायनाड से, ये क्योंकि रिगिंग जो है वो बैलेट पेपर से, हमने रिगिंग का तमाशा भी देखा है, मैंने खुद देखा है। सुप्रीम कोर्ट से केस जीते हैं जम्मू कश्मीर में, असेंबली के चुनाव नहीं, उसके लिए डिलिमिटेशन करवानी है। उन्हें कहा जी हम हिंदुस्तान के 1973 रेजोल्यूशन जो पार्लियामेंट ने पास किया था उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 75 नंबर जो रेजोल्यूशन है हिंदुस्तान का वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और इसके तहत कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो 73rd रेजोल्यूशन है वो था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ये काउंसिल बनेगी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगी। मंजूर, अब कहा कि हम जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे, बढ़ गई। आप बताइए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाने के लिए कोई डिलिमिटेशन नहीं, कोई कमेटी बनती, कमेटी यदि कमेटी बनाई जाती है, जैसे असेंबली का डिलिमिटेशन होता है कि उसकी कितनी एक डिस्ट्रिक्ट में
है, कितना एरिया है, कितनी पॉपुलेशन है, उसको ध्यान में रखा जाता है। यहाँ कह दिया दिल्ली में 14 14 14, 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हैं, सबको 14 14 डीडीसी में काउंसिल डीडी काउंसिल मेंबर दे दिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर। मैं लाया हूँ यहाँ आपके सामने एक चीज, आप मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर का मीडिया खुद, आज मैं एक वकील की हैसियत में मीडिया को जज मान के पेश हो रहा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये देखिए ये पॉपुलेशन मैं दे रहा हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट की कितनी है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की कितनी है, और यहाँ डीडीसी मेंबर कितने हैं 14, किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है 2 लाख और दूसरे डिस्ट्रिक्ट की 7 के डिस्ट्रिक्ट की है 6 लाख, मेंबर कितने वहाँ भी 14 यहाँ भी 14। अगर आप चाहें तो मैं बता देता हूँ डिस्ट्रिक्ट पढ़ के 2-3। ये कि जम्मू कश्मीर को आपने हिंदुस्तान के साथ रखना है या नहीं, ये क्वेश्चन बहुत, मैं हाँ या नहीं क्यों पूछ रहा हूँ भी भारतीय जनता पार्टी को, कि भारतीय जनता पार्टी की को न्यू मूवमेंट चली है जम्मू कश्मीर के बारे में, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को, भारत के लोगों को एक्सेप्टेब नहीं है, मंजूर नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के असम्बली के इलेक्शन ही पोस्टपोन होंगे, जम्मू कश्मीर की असम्बली ही ख़त्म कर दी गई, जम्मू कश्मीर को 200 साल पुरानी रियासत को बना दिया यूनियन टेरिटरी, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की तोहीन है एंड इज चैलेंज टू आवर इंटेग्रिटी एज इंडियन सिटीजन, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ये सब कहा प्रेसिडेंट ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने, कि बहुत जल्दी ये स्टेट बनेगी। आज मैं सोचता हूँ सबसे बड़ी चैलेंज हिंदुस्तान के लोगों के सामने है वो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट क्यों नहीं है, जम्मू कश्मीर स्टेट को रिस्टोर कर दिया जाए, दिस इज व्हाट पैंथर्स पार्टी वांट्स टुडे, यू रिस्टोर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरे में जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ दिया है, लद्दाख को अलग कर दिया है, मैं लद्दाख के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आपने देख लिया तमाशा एक साल में कि यूनियन टेरिटरी से क्या मिला, और जम्मू कश्मीर ऐसे साल लद्दाख जिसको डोगरा महाराजा गुलाब सिंह ने जोड़ा था, जम्मू लद्दाख जम्मू और कश्मीर को एक साथ 1846 में, वो वही रक्षा जम्मू कश्मीर का बन सकता है, वही हिंदुस्तान के हक में होगा।